आपके गाने में, मतलब मैंने किसी ने समीक्षा लिखी हुई पढ़ी थी कि प्रभा दाई के गाने का विश्लेषण उन्होंने किया था, तो इतना उन्होंने सुंदर लिखा था कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं और कोई भी चीज़ ज़रूरत से कम नहीं, ऐसा गाना कि मतलब एक जो बैलेंस होता है। और उसके बाद कुछ साल बाद मैं थोड़ा सा एस्थेटिक्स के बारे में पढ़ रहा था, तो वो लेखक ने लिखा था कि सौंदर्य क्या है, ब्यूटी क्या है, तो ब्यूटी की व्याख्या करना बहुत मुश्किल है, क्या है ब्यूटी? तो उन्होंने लिखा था ब्यूटी इज अ प्रपोर्शन, सौंदर्य क्या है तो प्रपोर्शन है। तो मुझे लगता है कि वो उनके गाने में हमें पूरा पूरा दिखाई देता है कि क्या होता है, कोई कोई लोग अलाप ही बहुत होती है या तान ही बहुत है या सरगम इस प्रकार से होता है, लेकिन उनका बैलेंस जो होता है वो बहुत एक मुश्किल बात लगती है कि जो उन्होंने साधी है। इसी से जुड़ा क्वेश्चन है कि अलाप तान बोलतान यह तो सभी कलाकारों से हम सुनते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सरगम यह प्रभा जी की प्रस्तुति का एक अत्यंत सुंदर और मनभावन अंग है। जिस जमाने में सरगम ज़्यादा नहीं गाई जाती थी, खास तौर पर महाराष्ट्र में, तो सरगम पे बहुत टीका की जाती थी। और इस टीका टिप्पणी के दौर में भी प्रभा जी ने सरगम प्रस्तुत की। जो समीक्षक सरगम पे बहुत कुछ अपोजिट लिखते थे उनको जवाब दिए, यहाँ तक रुके नहीं इतनी बात करके, और उसके बाद जो लोग कहते थे कि सरगम गाना ठीक नहीं है, ऐसे है, तो उन्होंने सरगम पे रिसर्च करके डॉक्टरेट की। उस ज़माने में उनकी पीएचडी है सरगम, एक संगीत सामग्री इसके ऊपर, और इस विषय पर ये एकमात्र प्रबंध है और किसी ने रिसर्च नहीं किया है इस विषय पर। तो ऐसा इनका बहुत सुंदर विचार रहा है, तो उसके बारे में एक तो जानना है कि मतलब सरगम कैसे आपको लगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना हीराबाई सरगम करते थे, ना सुरेश बाबूजी सरगम करते थे, या किराना घराने में अब्दुल करीम खान सरगम करते थे, लेकिन उनकी बात की दो एक पूरी जनरेशन ने सरगम नहीं किए। फिर बाद में तीसरी चौथी पीढ़ी में सरगम आई, तो उस जमाने में जहाँ जब कोई सरगम नहीं करते थे तब इन्होंने सरगम करना शुरू किया। तो वो जानना है कि कैसे आपका ध्यान उस तरफ आकृष्ट हुआ। मेरा शिक्षण कॉलेज का ख़त्म हो गया, तो गाने की मतलब करियर करना बिल्कुल नहीं था मेरे मन में। तो नागपुर में आकाशवाणी की एक नौकरी आई, तो मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया, नौकरी मिल गई। तो वहाँ जाने के बाद जब काम नहीं होता था, स्टूडियो में जाके मैं रिकॉर्डिंग सुनती थी, और वहाँ आमिर खान साहब का बहुत गाना सुना मैंने, और उनकी वो सरगम मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं पागल ही हो गई थी उस ज़माने में। पूरा दिन सरगम करो सरगम करो, तो मुझे ऐसा लगा कि संगीत में सरगम, प्रस्तुति में, संगीत प्रस्तुति में सरगम एक बहुत सशक्त सामग्री है। वो संगीत की ही एक सामग्री है, जैसे हम अर्थवाही बोल डालते हैं संगीत में, बंदिश में बोलतान करते, बोल उपज करते हैं, शब्द संगीत की सामग्री नहीं है। सरगम वो संगीत की अपनी सामग्री है। अगर हम कहते हैं कि राग एक अमूर्त संकल्पना है, कंसेप्ट है, तो जो उसकी सामग्री है उसको लेके हमको काम करना चाहिए। तो उस वक़्त मैंने सरगम का काफ़ी अभ्यास किया, और मेरी शैली एक अलग सी बन गई है, ऐसा मुझे लगता है। आमिर खान साहब का ज़रूर प्रभाव है, लेकिन उस वक़्त मुझे हमेशा लगता रहा कि मेरा अपना कुछ होना चाहिए, दूसरों की नकल। जैसे मेरे गुरुजी ने कहा था कि मेरा गाना नहीं गाना है, तुझे अलग से करना है, तो शुरू से वो जो आदत रही। तो सरगम में भी आपने सुना होगा मेरी अलग एक स्टाइल है, तो और उससे एक बहुत जल्दी नाता बन जाता है हमारे श्रोताओं के साथ। आप देखिए, आप मैं फिल्म में मैंने जो अनुभव किया है कि जब मैं सरगम गाती शुरू करती हूँ, तो सामान्य श्रोता जिनको समझ नहीं है संगीत की, वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते। तो आप सरगम सब करिए, जो जो गाने वाले हैं। थोड़ा सा क्लिपिंग लगाओ, थोड़ा सा एक क्लिपिंग हम सुनने वाले हैं कि जिसमें मैंने जैसे कहा कि और एक बात है कि कोई भी
प्रचलित राग भी जो है कि जैसे यमन राग है वो भी आप प्रभा जी से सुनेंगे तो उसमें अलग फ्रेजिंग और एक अलगपन लगता है, मतलब आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे वो हर एक का पर्सनल व्यू है, लेकिन आप सुनेंगे तो हम एक क्लिपिंग सुनेंगे कि जिसमें वो पूरा एक घंटे का परफॉर्मेंस हमने शॉर्ट किया है, तो उसमें कुछ आलाप है, कुछ ताने हैं, कुछ सरगम है, तो आप देखिए कि कैसे एक इंटरलिंकिंग है उसका और कैसे यमन राग है लेकिन वो फ्रेजेस कैसे अलग अलग लगती है, और यमन राग हम प्ले करेंगे। Ah!
Thank you.
मुझे हमेशा लगता था कि मुझे अलग से काम करना है। मैंने कभी किसी की बंदिश या मराठी गीत या भावगीत उस वक्त बहुत चलता था, कभी गाया नहीं। मैंने कहा मेरा अपना कुछ होना चाहिए, इसलिए मेरा जो राग विचार है वो थोड़ा सा हटके है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसमें जो फ्रेजिंग है वो भी अलग है। उसमें जो कर्ण का काम होता है और मेंड और जिस तरह से स्वरों को मैं जोड़ती हूँ, कॉम्बिनेशन करती हूँ, वो भी अलग है। इट्स नॉट मतलब आप ये नहीं बोलेंगे इसका ये है करके, प्रभात रे का है। और उसमें आप देख सकते थे सरगम में एक बार उन्होंने सारेगमा किया था, निसारेगमा किया था। एक समय में यमन सारेगमा था, वो चेंज होकर निरगमा हुआ है। तो राग भी हमारे बदलते आए हैं, संगीत बदलता होता ही है इसलिए। और मुझे ये भी मतलब अच्छा लगता है कि जो हट के काम करना है थोड़ा सा, जो राग में कभी सुनाई नहीं देता ऐसे फ्रेज करके फिर वो राग में ही है ये दिखाना, फिर ये भी एक अच्छा लगता है।